स्वागत है दोस्तों आप सबों का SR क्लासेस पे। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रतिशत होता क्या है, ये पूरा कंसेप्ट को मैं क्लियर करवाऊंगा, और फिर परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें अंत तक, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं परसेंटेज में क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रतिशत हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले इसके नाम से चलते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हुआ प्रति और दूसरा हुआ सत। प्रति का मतलब हो गया कि प्रति, आप लोग समझ रहे होंगे, और सत का मतलब होता है सैकड़ा, मतलब प्रति सैकड़ा जो हमें बताए किसी भी संख्या का मान वो क्या होता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए हमने एक एग्जाम दिया और एग्जाम में हमारे 350 मार्क्स आए हैं टोटल 500 में से, 350 मार्क्स आए हैं 500 में से, तो ये हमें प्रतिशत नहीं बता रहा है। प्रतिशत कब बताएगा, जब हमें पता चले कि 100 में कितना आया है ना। तो 100 में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम बता सकते हैं कि हमारा कितना प्रतिशत बना है। तो ये देखिए दो जीरो से दो जीरो कट गया और ये कितना हो गया, 7 बचे 35, तो कितना बना, 70%, है ना। मतलब नंबर तो आए थे 350, लेकिन कितने में आए थे, 500 में। तो हमें 500 वाले का नहीं लेना है, है ना। कितने में चाहिए हमें प्रतिशत बनाने के लिए, कितना चाहिए, 100 में कितने आए, तो 100 में कितने आए, 70 नंबर आए। ठीक है, तो ये जो 70% कोई कहता है कि मेरे 70% मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब है कि उसके 70 नंबर आए हैं 100 में से, है ना, 100 में से 70। कोई कहता है कि मेरा 80% मार्क्स आया है, तो इसका मतलब होता है कि 80 मार्क्स आए हैं उसके आउट ऑफ 100, 100 में से 80 नंबर उनके आए हैं। ठीक है, कोई कहता है कि 65% मार्क्स आया है, तो इसका मतलब हो गया कि 100 में से 65 नंबर आया है। बात समझ में आ रहा है, मतलब जो 100 में बताए, है ना, किसी भी संख्या का मान 100 में बताए कि वो 100 में कितना है, वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, संख्या का मान 100 में प्रति सैकड़ा, तो ये था प्रतिशत का मान। अब आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। मैं इसमें सिर्फ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं जब फर्दर वीडियो बनाऊंगा, आगे वीडियो जब भी बनाऊंगा, तो मैं परसेंटेज से जुड़े जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, अच्छे अच्छे टाइप के, जिस जिस टाइप के बनते हैं, वो मैं सारा करवाने वाला हूं। तो अभी इसमें सिर्फ ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपने पहले मेथड को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड प्रतिशत जो हम लोग निकालते हैं उसे कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमें किसी संख्या का 50% निकालना है, या तो किसी संख्या का 25% निकालना है, है ना, 20% निकालना है, 10% निकालना है, और 1% निकालना है। तो इन सबों को निकालने के लिए हमें कोई मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम सबसे पहले बता रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर 50% निकालना हो हमें, तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, संख्या को 2 से भाग लगा देना है। क्या करना है, संख्या बटे 2 कर देना है। जैसे देखिए हमें कहा गया है कि 60 का 50% कितना होगा, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 60 को सिर्फ 2 से भाग लगा देंगे, आंसर कितना आया, 30। तो 60 का 50% कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमें कहा जाए, मैं इसे मिटा देता हूँ, नीचे लिख दूंगा, अगर हमें कहा जाए कि 80 का 50% कितना है, तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इस 80 को 2 से डिवाइड कर देना है, कितना हो गया, 40। 80 का 50% कितना होता है, 40 होता है। हमें लिखना भी नहीं है, अगर कोई कहता है कि 150 का 50% कितना है, तो इसे क्या करना है, सीधा सीधा आंसर बताना है, कितना है, 75। क्यों, इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, और ये हम अपने मन में भी कर सकते हैं, है ना, इसे हम लोग मेंटली कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को। तो देखा कितना इजी है, बहुत ही आसानी से हम किसी भी संख्या का 50% फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है, अगर हमें किसी संख्या का 25% निकालना हो, है ना, दूसरा जो है किसी भी संख्या का
25% निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं ये भी बहुत आसान है, संख्या को 4 से डिवाइड कर लो और उसका 25% आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं, कोई कहता है कि 60 का 25% कितना होगा, तो कितना होगा कुछ नहीं करना है इसको, 60 को क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है, कितना आया 15, और ये रहा आपका आंसर। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारे परसेंटेज थोड़ा बहुत निकालना आता हो, है ना। जैसे देखिए मैं एक बार जो लॉन्ग मेथड होता है उससे भी करके दिखा रहा हूँ। 60 का मतलब होता है गुना, कितना प्रतिशत, 25%, प्रतिशत के बदले हम लोग बटे में 100 रखते हैं, ठीक है। तो 25 × 100, और ये देखिए ये से ये कितनी बार में कटा, 15 बार में, तो कितना आया 15, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो उसका अगर हमें 25% निकालना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, इतना कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे उस संख्या को और हमें 25% मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। अगला जो परसेंटेज है वो क्या है, तीसरा वो परसेंटेज है किसी भी संख्या का अगर हमें 20% निकालना हो तो इसके लिए क्या करना होता है। इसके लिए भी बहुत आसान सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग क्या करेंगे, संख्या को 5 से डिवाइड कर देंगे और वो हमें 20% मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 55 का 20% कितना है, तो कितना हो जाएगा, 55 को सिर्फ 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना है 11 रुपया। 55 रुपये का 20% कितना होता है, 11 रुपया। तो ये था 20% निकालने का तरीका। आइए देखते हैं अगला तरीका क्या है। तो अगला है कि अगर हमें किसी संख्या का 10% निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है ये। राइट साइड से दाहिने तरफ से, संख्या के दाहिने तरफ से एक अंक के बाद 0 लगा दें, एक अंक के बाद क्या करें, दशमलव लगा दें, सॉरी एक अंक के बाद दशमलव लगा दें और ये आंसर आपके पास हाजिर हो जाएगा। जैसे कोई कहता है कि 75 का 10% बताएं, तो कितना हो जाएगा, 75 आप लिख दो और दाहिने तरफ से एक अंक गिनने के बाद क्या कर दो, दशमलव लगा दो, ये आंसर है। कोई कहता है कि 142 का 142 का 10% बताएं, तो कितना हो जाएगा, 142 आप लिख दो, दाएं तरफ से एक अंक गिनने के बाद क्या करो, दशमलव लगा दो, और ये रहा आपका आंसर। तो 10% निकालने का तरीका ये है कि आप संख्या लिख दीजिए और दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और आपका 10% हाजिर है। तो देखा कितना आसान सा ट्रिक है, ठीक है। आइए देखते हैं कि हमारा अगला क्या है। अगला है कि अगर हमें किसी संख्या का 1% निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, संख्या में राइट साइड से, है ना, कहाँ से, राइट साइड से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे और हमें 1% मिल जाएगा, दशमलव लगा दें। जैसे देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम लोग, अगर हमसे कोई कहे कि 115 का 1% कितना होता है, तो क्या करेंगे, ये 115 पूरा लिख दोगे और दाएं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दोगे, ये हो गया 115 रुपये का 1% है। 115 रुपये का 1% कितना होता है, 1 रुपया और 1 5 पैसा, ठीक है। कोई भी आप देख सकते हो, जो एग्जाम्पल ले लो, हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 260 का 1% कितना होता है, तो कितना होता है, आप 260 पूरा लिख लो, दाएं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा लो, हो गया 2 रुपया 60 पैसा, ठीक है। तो ये था कुछ स्टैंडर्ड ये परसेंटेज निकालने का तरीका, कि हमने यहाँ पे सीखा 50% को क्या करना है, 25% निकालना रहे तो क्या करना है, 20% निकालना रहे तो क्या करना है, 10% निकालना रहे तो क्या करेंगे, और साथ ही साथ 1% निकालना रहे तो क्या करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा अगला मेथड क्या है।
तो परसेंटेज को फाइंड आउट करने का जो अगला मेथड है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम दो तीन संख्या एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को बताते हैं कि क्या होता है इसमें। एग्जाम्पल ले लिया कि 40 का हमें 20% निकालना है, 40 का 20% निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो देखिए इसको कैसे निकालना है, पहले तो मैं एक बार ये जो तरीका होता है जनरल तरीका वो मैं बता देता हूँ। 40 का मतलब गुना होता है और ये क्या हो गया, 20%। तो 20 के बटे में क्या हो गया, 100% दिया हुआ। अब देखिए एक जीरो से ये कटा और एक जीरो से ये कटा, तो ये दोनों क्या हो गया, गुना हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि दो जीरो ऊपर वाले कैंसिल हो जाते हैं नीचे वाले 100 के बदले, है ना। तो हम लोग इसी को इस्तेमाल कर करके एक तरीका बना लेंगे कि जब भी हमें निकालना रहे तो क्या करना है, ऊपर के दो जीरो को कैंसिल कर देना है। हम ये वाला जो पार्ट है ये नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर दो जीरो खुद ब खुद कैंसिल कर लेंगे और जो अंक बचेंगे उनका क्या कर देना है, गुना कर देना है। आइए देखते हैं, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे हमें निकालना है 60 का 30%, तो ये कितना हो जाएगा, दो जीरो को आप लोगों को क्या करना है, कैंसिल कर लेना है और कैंसिल करने के बाद जो अंक बचे उसका गुना कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, 18 रुपया। 60 रुपये का 30% कितना होता है, 18 रुपया। तो देखा कितना आसान है ना। सीधा दो जीरो को क्या किया, कैंसिल कर लिया और आंसर हमारे पास हाजिर है, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 150 का 30% कितना हो जाएगा, दो जीरो कट कर लीजिए और कितना हो गया, 15 तिया 45 रुपया आंसर। तो 150 रुपये का जो 30% है वो कितना होता है, 45 रुपया होता है, ठीक है। कोई भी तरीक, कोई भी ये हो हम लोग इससे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 160 का 20% कितना हो जाएगा, दो जीरो कैंसिल कर लिया, 16 दूनी 32। ये था तरीका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का कि आपको ऊपर के दो जीरो क्या कर लेने हैं, कैंसिल कर लेने हैं और हमें परसेंटेज मिल जाएगा फिर बाकी के जो बचे हुए अंक हैं उनको गुना करने से, ठीक है। लेकिन अभी रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पे कहानी फंस सकता है कब भी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि दो तीन सिचुएशन ऐसे आएंगे जब कहानी क्या होगा, फंस जाएगा। जैसे हमें निकालना है 45 का 10%, अब क्या करेंगे, ऊपर में देखिए हमने एक जीरो कैंसिल कर लिया और 45 को इससे गुना कर दिया तो कितना आ गया, 45। क्या ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है। हमें कितना जीरो कैंसिल करना था, दो जीरो, ठीक है। तो दो जीरो रहे तो हमने दो जीरो को कैंसिल कर देना है और अगर नहीं रहे तो क्या करना है, दोनों अंकों को गुना कर करके उसे दाएं तरफ से दो अंक के बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो तो था तो हमने एक कैंसिल कर दिया, बाकी बच गया एक जीरो, तो उस एक जीरो के बदले में दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आया, आगे देखिए एक और एग्जांपल समझाता हूँ। हमें निकालना है 65 का 20%, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे एक जीरो था कैंसिल कर दिया, दूसरा जीरो मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 65 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 130 आएगा, है ना। अब यहाँ पे एक जीरो को और कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया, 13 हमारा आंसर हो गया। तो 65 का 20% कितना होता है, 13 होता है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है 42 का 60%, ये कैसे होगा, तो ये देखिए एक जीरो तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या, हमें एक जीरो और चाहिए और वो कैंसिल कब होगा, जीरो तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 चके 24 और 1 25। अब देखिए दाएं तरफ से एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, उस एक जीरो के बदले दशमलव लगा दिया। तो ये तरीका था डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का कि आप यहाँ पे परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये था दूसरा मेथड, हमने पहली बार में सीखा था, पहले मेथड में सीखा था कि कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 50%, 25%, 20%, 10% और 1%। यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे दो संख्याओं को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके हम लोग
परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका था। मैं अभी एक और तरीका बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे ये तरीका फेल हो जाता है वहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, मैं ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला तरीका वो क्या है। तो हमारा जो अगला तरीका है उसे उसमें हमें क्या करना है, हमें संख्याओं को तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद छोटे छोटे ये में परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है कि हमें 64 का 55% निकालना है। तो इसमें ना तो 2 जीरो है जिसे हम कैंसिल कर दें और ना ही ये दोनों संख्याएँ इतनी छोटी है जिसे हम आसानी से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर जो हमने प्रीवियस दोनों मेथड सीखे थे वो दोनों के दोनों क्या हो गए, फेल हो गए, है ना। परसेंटेज निकलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे मेथड को अप्लाई करेंगे जिसमें क्या करना है, संख्याओं को तोड़ लेना है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 64 का 55%। 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये आसान हो गया, हो गया। अब देखिए 64 का हम लोग पहले 50% निकाल लेंगे और फिर 64 का 5% निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 64 का 50% निकालेंगे तो सबसे पहले तो 1 जीरो कट गया, है ना। यहाँ से फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे दाएं तरफ से, वो हो गया 50%। या हम मैंने एक और तरीका बताया है, वो क्या करेंगे कि 64 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है, संख्या को 2 से भाग दे दीजिए, 50% निकल जाएगा, मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। तो संख्या को क्या कीजिए, 64 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, प्लस 64 का कितना निकालना है, 5%। 5% कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग 10% निकाल लेते हैं और 10 को 2 से भाग लगा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा, ठीक है। तो 10% निकालने के लिए दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव निकालने के लगाने के लिए मैंने कहा था, तो कितना हो गया, 6.4 हो गया। इसे 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। और अब इसे जोड़ लीजिए, ये रहा आपका आंसर। आप कहोगे सर इसमें तो जोड़ घटाव बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ा, बहुत आसानी से ये फाइंड आउट हो जाता है। हम अगर इस पे प्रैक्टिस कर लें तो ये देखिएगा कितना इजी है। आइए मैं आपको इस पे कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ 4-5 एग्जांपल के ज़रिए और फिर देखते हैं ये कितना आसानी से वर्क करता है। तो आइए देखते हैं। तो आइए इस मेथड पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि हम अच्छे से ये मेथड को सीख जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 84 का 56% निकालना है। ये देखिए कितना मुश्किल है ना, बहुत ही मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा अगर हम नॉर्मल मेथड से करने जाएं तो। लेकिन हम इसे वैसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 84 का 56 को आप क्या लिख सकते हो, 50 + 5 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 56 हो गया, 50 और 5 55 और 1 56। अब 84 का 50% कितना होगा, इसका आधा होगा, 84 का आधा कितना होता है, 42 42 दूनी 84। अब 84 का 5% कितना होगा, हम इसको क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे फिर उसको 2 से भाग दे देंगे। 10% निकालने के लिए दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो गया, 8.4, और इसे 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.2। उसके बाद इसका क्या निकाल लेंगे, 1% निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ तो 4 और 8 दोनों का दोनों कहाँ आ गए, इस तरफ आ गए और यहाँ हो गया दशमलव। अब बस इसे जोड़ लो, 8 और 2 10 का 0, हाथ में 1 4 और 2 6 और 1 7, और ये हो गया 47 आंसर। अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना बहुत ही ईजिली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। आइए हम अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 76 का 61%। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 76 का 61 को क्या लिख सकते हैं, 50 + 10 + 1 इतना लिख सकते हैं। अब 76 का 50% कितना होगा, 76 का आधा कितना होता है, 38। इसका 10% कितना होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, और 1% कितना होगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 8 8 16 का 6 हाथ में 1, 3 और 1 4 आंसर। देखिए कितनी आसानी से हम इतने बड़े बड़े जो कि टेढ़े टेढ़े से परसेंटेज है जिसे हम बहुत ही आसानी से निकाल दे रहे हैं। आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है। हमें निकालना है 86 का 45%। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 86 का 50 - 5% लिख सकते हैं।
माइनस भी कर सकते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। अब देखिए 86 का 50% कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 43। माइनस 5% कितना हो जाएगा, तो इसका हम लोग पहले 10% निकाल लेते हैं, उसको 2 से भाग लगा देंगे तो 5% मिल जाएगा। 10% कितना हो जाएगा 8.6, इसे 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 3 आएगा। ये देखिए यहाँ 0 है, इसमें से 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और यहाँ क्या बचा 3 बचा, 38.7। 38.7 ये है इसका आंसर। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 350 का 19%, तो लिखेंगे 350 का 19 को क्या लिख सकते हैं, 20-1%। अब 20% कितना हो जाएगा, 20 ये और ये कट गया, 20 मिल गए, तो 35 दूनी कितना हो गया 70। अब इसमें से घटाना कितना है 1%, तो 1% का मतलब होता है 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लीजिए, 1% हो गया इसका। अब देखिए 10 में से 5 गया तो 5 बचा, दशमलव हो गया, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और ये 6, ये रहा आंसर 66.5। कितने आसानी से हम बड़े बड़े परसेंटेज को ऐसे ही फाइंड आउट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। 242 को आप क्या लिख सकते हो, 242 का 31% को आप क्या लिख सकते हो, 30+1% लिख सकते हैं, है ना। और इसे बहुत ही ईजिली हम इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो इसे मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग करके देखिएगा कितनी आसानी से कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा कि एक बार इसे जनरल मेथड से कीजिएगा और एक बार इसे मेरे बताए हुए मेथड से कीजिएगा, दोनों में फ़र्क आपको दिखेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए SR क्लास के साथ। थैंक यू।